Sports Flashes. Press the bell icon and never miss any update. आप पंजाब से हो? पंजाब में तीन से बड़े मैच मशहूर हैं, एक कुक्कड़, एक शराबा, दूसरी गालियां। कभी फंसे हो आप मुंह से निकला कि बैग कमेंट्री में निकला कभी? नहीं नहीं नहीं। वेलकम टू क्रिकेट लाव्स विद जिवेश यू ऑन योर स्पोर्ट्स फ्लैशेस। आई हैव रितेंद्र सिंह सोडी पाजी, वेलकम। इफ नॉट अ क्रिकेटर, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, इफ नॉट अ क्रिकेटर, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपसे हजार बार पूछा है, तो क्या पॉलिटिशियन, बैंकर, कॉर्पोरेट जॉब, एक्टर, सिंगर, क्या? ये सवाल बहुत मुश्किल है कि अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर क्रिकेटर ना होता तो शायद आई वुड हैव एस्पायर टू बिकम आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर? जी हाँ, मेरे ताऊ जी हाँ, वो स्पोर्ट्स साइंटिफिक ऑफिसर थे, अब दुनिया में नहीं है। oh, लेकिन वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप पढ़ाई कीजिए और अगर आईएएस बनेंगे, वो बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप सेवा कर सकते हैं, सोसाइटी की कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। काफी गुड लुकिंग आईएएस ऑफिसर होते हैं, आई एम श्योर। लाइक बट देन क्रिकेट वाज समथिंग व्हिच वाज इन माय डीएनए, पैशन एकदम। आप पंजाब से हो? पंजाब में तीन से बड़े मैच मशहूर हैं, एक कुक्कड़, एक शराबा, दूसरी गालियां। कभी फंसे हो आप मुंह से निकला कि पैच? कभी निकला मुंह से कि तेरी मौका? कभी 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 एक बार फंसे हो? कभी एक बार रणजी ट्रॉफी में बहुत जब जोश होता है, विकेट लेते हैं तो मैं थोड़ा गुस्सा भी आता था, जब आप विकेट लेते हैं तो भी निकलती है मुझे, बट देन यू गॉट टू कंट्रोल इट। बट कई बार ऐसा हुआ कंट्रोल नहीं होता था। नहीं, कमेंट्री में बोल रहा हूँ, कमेंट्री में निकला कभी? नहीं नहीं नहीं, कोशिश यही होती है कभी। किसी से निकला कभी? कभी किसी जैसे ओ फक इज वेरी नेचुरल, ओ शिट इज वेरी नेचुरल? या आई थिंक दैट इज वेरी नेचुरल, बट देन कभी मतलब कैसे कंट्रोल कैसे करते हैं? मैं तो हग दूं अगर मैं जाऊं कभी वहां पे। नहीं, इसमें कंट्रोल कर भूतनी के बॉल नजर आ रही तेरे को? कभी नहीं फंसे? नहीं, शायद मुझसे कभी निकला ही नहीं। क्रिकेटर्स हैं जिनके मन में एकदम आता है, इंस्टिंक्टिवली इट कम्स, देन यू गॉट टू स्टॉप इट, एंड दैट इज व्हाट कमेंट्री इज ऑल अबाउट। पिछले कुछ दिनों में आपके साथ हैंग आउट किया टेस्ट मैचेस में, वन डेज में T20, आप तो काफ़ी सारे क्रिकेटर साथ घूमे, राइट? और अब काफ़ी सारे कॉमेंटेटर साथ घूमते, कौन कौन ऐसा बंदा है जो होटल से सामान ले लेके घर जाता है? होटल से सामान लेके घर जाता है, जैसे साबुन, शैम्पू, ग्लासेस? मैं बताता हूँ, मैं हर होटल से एस्ट्रे चुरा लेता हूँ, हर होटल से है ना वही। बाथरूम स्लीपर जो होते हैं कुशन वाली? हाँ जी हाँ जी, वो बहुत पसंद होते हैं। हाँ, कभी कोई मन करता है कि और मंगा लूं तो ले जाओ, दैट हैज नॉट हैपेंड, बट समहाउ आई फील दैट। घर में पहनते हो अपने? नहीं, घर पे डलते नहीं है वो, बेसिकली होटल रूम के लिए, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव आवर आईज ऑन। ये लेके जाना बहुत बड़े, नहीं लेके जाना, कभी कोई बड़ा सामान जैसे प्रेस प्रूस, आयरनिंग टेबल, हैंगर, बाथरूम? मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है जो बाथरूम चुरा चुरा के जाता था, और मेरे साइज का है, तो हमें बाथरूम फिट भी नहीं आती, हमारी बाथरूम यहाँ के रुक जाती है, तो आप वो बड़ा परेशान रहता था। जब आप जिंदगी में बड़े हो रहे हो तो आपकी गर्लफ्रेंड्स रहते हैं, बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, हस्बैंड वाइफ जो कभी आज होते हैं, कभी यारों दोस्तों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नजरें चाहते हैं? जैसे कोई गर्लफ्रेंड होती है ना, छोड़ यार सोडी क्रिकेट खेलता रहता है, सारे दो पैसे नहीं कमाता यार, और फिर जब क्रिकेट में यार सोडी याद आती तेरे को मेरी? कभी एटीट्यूड चेंज हुआ यारों दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, मुझे याद है एक लड़की बहुत पसंद थी, में था थी, तो उसको प्रपोज भी बहुत, खुशी देखो मुंह पे कितनी आ रही है इस टाइम, बीवी ने देखना है इंटरव्यू, उसको पता है ये बात, तो मैंने उसको बहुत प्रपोज किया तो वो मानी नहीं। वो फिर एक दिन उसने मुझे बोला, पहले क्रिकेटर बन, तब मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलता था स्कूल में, पता था, तो मैंने वो ट्रिगर पॉइंट बना लिया जिंदगी में कि यार अब क्रिकेटर बनना है। बट बाय द टाइम, नरक का द्वार है औरत, आदमी को कहीं भी भेज सकती है। जब बाय द टाइम मैं इंडिया खेला तो शी वाज ऑलरेडी गोइंग अराउंड विद द गाय, और बहुत सीरियस अफेयर चल रहा था, बड़ा दुख हुआ। उसको भी दुख हुआ भाई, मैं बता, अरे सोनी बाजी टीवी के आगे जब फूट फूट के रोता है ना, उसको देखता हुआ तुम सादा होता है। आज लगता है कि जब भी वो टीवी पे देखती होगी ना, खून तो जलता होगा, खून तो जलता होगा। Yeah, thank you, Sodi bhai. Such a pleasure, bhai. Such a pleasure. God bless you with all the love, happiness, luck, health, everything to you. Thank you, bhai.